यादव की पार्टी आरजेडी के नेता व शिवहर के विधायक चेतन आनंद आज शादी के बंधन में बंध जाएंगे। आज आयुषी के साथ चेतन शादी के साथ फेरे लेंगे, लेकिन आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद के शादी की चर्चा खूब हो रही है। चेतन आनंद के सगाई की तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थी, लेकिन अब तस्वीरें आ गई है हल्दी रस्म की। हल्दी और संगीत का रस्म था, चेतन आनंद के पूरे परिवार के लोग, चाहे वो पिता आनंद मोहन हो या फिर माँ लवली आनंद या बहन सुरभि आनंद हो या फिर अन्य रिश्तेदार, हल्दी के मौके पर लोग खूब झूमते नाचते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। आज चेतन आनंद और आयुषी आनंद की शादी है और इस शादी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तक पहुंचेंगे। लेकिन हाँ, अब तक वेन्यू सस्पेंस बरकरार है, जगह कहाँ का होगा, क्योंकि पहले तय किया गया कि देहरादून में शादी होगी, आज ही की तारीख है, लेकिन अब आनंद मोहन का परिवार इस पर कुछ भी नहीं कह रहा है। ना ही आनंद मोहन परिवार के लोग मीडिया के सामने आ रहे हैं और ना ही ये बता रहे हैं कि कहां आज चेतन और आयुषी शादी के साथ फेरे लेंगे। लेकिन जो जानकारियां मिल पा रही है वो खबर यह है कि जयपुर में ही आज चेतन आनंद और आयुषी आनंद की शादी होगी। आनंद मोहन की होने वाली बहू जो आज चेतन की दुल्हनिया बन जाएगी, आयुषी आनंद जयपुर निम्स में कार्यरत हैं, वो डॉक्टर हैं, और आज जब चेतन आनंद और आयुषी आनंद शादी के साथ फेरे लेंगे तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। बिहार के वो युवा विधायक हैं, आरजेडी से चुनाव लड़े थे, शिवहर से चुनाव जीते हैं, लेकिन आज जब शादी की रस्म अदायगी होगी उससे पहले कैसे हल्दी के मौके पर पूरा परिवार झूम रहा है, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। ये चेतन आनंद के हल्दी रस्म की तस्वीर है और आज ही शादी की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। पूरा आनंद परिवार जो है वो आज खुशियों में है और लाजमी भी है कि परिवार में खुशियां हो भी क्यों ना, क्योंकि आज जो सगाई जो है, लेकिन आज वो तस्वीरें भी आपको दिखानी है जब शादी के साथ फेरे लेंगे चेतन और आयुषी। लेकिन इससे पहले पूरा आनंद मोहन का परिवार झूम रहा है, आनंद मोहन का परिवार मस्ती में है, खुशियां दोगुनी है, क्योंकि आनंद मोहन रिहा होकर बाहर आ गए हैं, छोड़ जाते हैं डांस की उस वीडियोज के साथ कैसे चेतन आनंद के हल्दी रस्म में खूब नाच गान हो रहे हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।